गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह का 5:30 हो गया है और मैं अभी चाय बना रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ चाय पीते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लंच के लिए सब्जी काट रहे हैं। आज भी थोड़ा सा साग था और एक सब्जी हम लोग नया वाला बना रहे हैं, जिसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वो है ओडिया में बोलते हैं खड़ा साग, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। आपको दिखाऊंगी वो क्या है। तो मैं उसको काट रही हूँ, उसके जो साग को हम निकाल दिए अलग से, उसके ये उसके उसका जो स्टेम होता है उसी को हम उसी से हम सब्जी बनाने वाले हैं आज। सब्जी काटते वक्त बातचीत भी हो जाती है, थोड़ा गपशप हो जाता है। तो आज हमने डिसाइड किया था, जैसे कुछ बनानास रह गए हैं और मुझे वैसे खाने पसंद नहीं है, मम्मी को भी पसंद नहीं है, तो हम उसका मालपुआ बनाने वाले हैं आज। तो उसका भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले चलिए हम लोग वही बनाते हैं। तो पहले कंटेनर में आप ऐसे कुछ बनानास 5 थे मेरे पास, तो हमने उसको ले लिया और उसको अच्छी तरह से मैश कर लिए। तो मैश करने के बाद उसमें हम थोड़ा सा मैदा, और आपके पास अगर गुड़ होगा तो वो दे सकते हैं या फिर चीनी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर को बनाने के साथ मैश कर दिए हैं। उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा मैदा देंगे। तो ये आप डेज़र्ट की हिसाब से भी रख के खा सकते हैं, जैसे इसको आप स्टोर कर सकते हैं 2-3 दिन। तो मैं ये मैदा मिक्स कर रही हूँ। मम्मी होती है तो ये सब आइडियाज़ भी होते हैं कि करना है, ये सब चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मैं अकेली होती तो ये सब कुछ दिमाग में भी नहीं आता है कि ये सब बनाना है। तो मम्मी जब आती है तो ये सब कुछ हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा और मैदा चाहिए था तो मैंने और थोड़ा सा डाल दिया। फिर इसको अच्छी तरह से मिला के हम लोग बस तेल में इसको फ्राई करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया।
तो इधर वो उसको हम रख दिए हैं, थोड़ा सा ढक के रख दिए हैं ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए। और इधर वो खड़ा साग जो है उसकी सब्जी बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर गरम कर लिया, उसमें तेल और पिसा हुआ मसाला जैसे जीरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट हम उसमें डाल के उसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो ये सारा मसाला तेल में डाल दिया और मसाले को अच्छी तरह से अभी भूनेंगे। तो वो जो मालपुआ बनाने वाले हैं बनाना का, उसको हम मैश करके मैदा के साथ मिला के उसको ढक के रख दिए हैं। थोड़ा सा उसको थोड़ा टाइम उसको रखना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा फूल फूल जाए। उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी मैंने डाला था। अभी इसमें ये जो खड़ा साग का रेसिपी है इसमें हल्दी, नमक और रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है और उसको फिर अच्छी तरह से भून रहे हैं। तो उसको ऐसे बीच बीच में चलाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे से लग जा रहा है। प्रेशर कुकर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो छोटे वाले चना होता है ना उसको भिगो के थोड़ा टाइम रखा था, उसको बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में एक साथ वो जो खड़ा का स्टेम है उसको एक साथ चना के साथ वो डालने वाले हैं। तो एक साथ वो प्रेशर कुक हो जाएगा और बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो जो खड़ा साग का स्टेम था ये देखिए ये है वो, उसको हमने थोड़ा सा आलू के साथ प्रेशर कुकर में डाल दिया और ये छोटा वाला चना जो हमने पानी में भिगो के रखा था उसको भी डाल दिया इसमें। और फिर इसको अच्छे से हम मिला देंगे। यहाँ पे हमने पिसा हुआ मसाला जो दिया था वो जीरा धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट है और फिर टमाटोज ऊपर से दिए थे। तो हमने यहाँ पे एक टमाटो दिया था। अभी इसमें थोड़ा सा पानी दे के इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। पानी देने के बाद थोड़ा सा इसको फिर और मिला के तो आप देखिए अपने हिसाब से आप पानी देंगे, फिर उसके बाद उसको ढक्कन लगा के प्रेशर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर हमारा जो मालपुए के लिए हमने रेडी किया था वो तैयार हो गया और तेल गरम है। और यहाँ पे मम्मी उसको स्पून से निकाल के तेल में डीप फ्राई करेंगी। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची भी दे सकते हैं। तो ये तो बहुत ही टेस्टी था तो मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि हम बनाना खाते नहीं हैं वैसे। तो ये जैसे कि घर में था तो आप इसको ऐसे यूज स्वीट डिश बना के खा सकते हैं। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी चना आलू खड़ा का।
तो आप भी कभी ट्राई कीजिए और देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और फिर मैंने अपने हाउसकीपिंग को फिर से बुला लिया, कुछ डस्टिंग करवाने थे। तो क्योंकि घर में मैं नहीं थी तो पूरा धूल जम के रहा था घर में, और हर तरफ बस धूल ही धूल था। तो कोई चाहिए था तो चढ़ के सब साफ करे, और क्योंकि डस्ट एलर्जी है मुझे, तो आपको पता है घर में नहीं रहने से कुछ दिन तो यही हालत होता है घर का। तो कोई हेल्प करना चाहिए जो चढ़ के ये सब कुछ धूल वूल ये सब कुछ डस्टिंग कर सके। तो इसलिए मैंने अपने हाउसकीपिंग सोसाइटी के जो हाउसकीपिंग है उनका हेल्प लिया था, और ये साफ़ सफाई चल रही है। मम्मी यहाँ पे नीडल में थ्रेड डालने की कोशिश करते हुए, तो उनको ये सिलाई विलाई जहाँ पे भी छोटा छोटा कुछ काम होता है तो उनको बहुत ये सब करने में अच्छा लगता है, और ये उनकी कोशिश जारी है नीडल में थ्रेड डालने की। और यहाँ पे हमारे हाउसकीपिंग ने बहुत हेल्प किया ये सब कुछ ठीक करने में और डस्टिंग करने में। यहाँ पे अर्बन क्लैब मैंने बुक किया था मम्मी के लिए, तो वो चल रहा है। और फिर मैं जो रैक का थोड़ा सा डस्टिंग बच गया था मैं उसको निकाल के फिर से पोंछ के उसको फिर से वापस रख रही हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।